बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पूना में मेरा पहला ये इंट्रोडक्शन, मेरा मतलब इंट्रोडक्शन भी मेरा पहला ही है एक्चुअली. मैं दीपाली कांबड़े, फाउंडर ऑफ अलवीरा मोशन एंटरटेनमेंट और बिगिनिंग ऑफ शाइनिंग इंडिया एसोसिएशन, ये मेरा एनजीओ है. आज मैं उसको पूना में लॉन्च करने जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब आए, इतना मेरे लिए आए, इसलिए मैं आपको सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी. और रही बात प्रोडक्शन की, तो आज पूना में इस प्रोडक्शन के द्वारा एक मॉडल और एक्टिंग के कोर्सेज दिए जाएंगे. रनवे या टाइटल कुछ अच्छा लॉन्च करके कुछ अवार्ड शोज, ब्यूटी पेजेंट शो किए जाएंगे. उसके बाद जो मेरा प्रोडक्शन है, तो इन प्रोडक्शन में मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, सब सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है अपने पास, जो कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ लग रहा है लोगों को कि एक ही प्रोडक्शन में, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही प्रोडक्शन में आप सबको सब फैसिलिटी मिल जाएंगी, या मेकअप मिल जाएगा, सेलिब्रिटी आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, या आपको डिरेक्शन, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग आपको ये प्रोडक्शन में मिल जाएगा. और कुछ आज क्या हो रहा है इस प्रोडक्शन के? आज जो ये प्रोडक्शन का जो है वो लॉन्चिंग हो रहा है, क्योंकि पूना में आज तक जो भी काम किया मैंने, नासिक में किया या मुंबई में किया, वो तो आपको पता है. तो दूसरी चीज़ है कि पूना में मेरा प्रोडक्शन नहीं था, तो सिंहगढ़ रोड शिव पुष्प पार्क अपार्टमेंट में अपना स्टूडियो हुआ है. एक बार आप सब वहाँ पे भी विजिट करो. लेकिन उसका जो लॉन्चिंग है वो एक रनवे के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. कितने मॉडल रैंप अप? अभी तो रैंप अप के 45 मॉडल्स है. मतलब मेरा टारगेट तो मतलब 40 का ही था, मैनेजमेंट में मेरा 40 का था, लेकिन इतना सिलेक्शन करने के बाद भी अभी मेरे पास 45 है, जो कि मैंने बहुत सारा कैंसिलेशन, सबको बुरा भी लग रहा होगा, वो मॉडल्स के लिए मैं एक्चुअली सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जो रनवे डिज़ाइन किया गया था वो हाइट और सब क्राइटेरिया के इस पे, तो थोड़ा सिलेक्शन में भी दिक्कत आई होगी. कुछ मॉडल्स के भी मुझे फ़ोन आया कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये नाराज़ मत होइएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम एक दो महीने में और दूसरा हम लोग अच्छे से रनवे करेंगे, तो उसमें मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूँगा. अभी तो पूरे महाराष्ट्र से भी है, कुछ रत्नागिरी से दो तीन है, मुंबई से दो तीन है, कोल्हापुर से कुछ लोग अपने पास आए, ये और ये गोवा का है, मतलब एक थोड़ा सा स्टेट से भी आ रहे हैं. ऐसे करके एक 45 मॉडल्स मेल और फीमेल मिला के है अपने पास. कंपनी का नाम है प्रोडक्शन का अलवीरा. अलवीरा का, अलवीरा ये मेरी 8 साल की लड़की है, जो कि मैं पहले 2030 से वन लाइन क्रिएशन से काम कर रही थी, लेकिन अभी 2015 में अलवीरा मेरी छोटी बच्ची है जो 8 साल की है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी 14 फेब है. अलवीरा का मीनिंग होता है बी लव बी ट्रूथफुल, और मुझे भी आगे अगर कुछ काम करना है तो आप लोगों के साथ जुड़ना है, या बी लव या ट्रूथफुल मतलब एक सच्चाई के साथ काम करना है, इसलिए मैंने प्रोडक्शन का नाम भी अलवीरा ही सोचा था. फाउंडेशन जो है वो बेसिकली ऑल इन वन है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मेकअप आर्टिस्ट? फाउंडेशन, आप फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं या प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि ये दो अलग चीज़ें है. हाँ, तो प्रोडक्शन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है. फाउंडेशन जो है एनजीओ है, आज तक इस एनजीओ में किसी का भी, किसी ने भी फाइनेंस नहीं किया है या किसी का भी फाइनेंस हमने लिया नहीं है. तभी भी ये एनजीओ है, लॉकडाउन में भी हम लोग काम कर रहे थे, और अभी भी मतलब पूना स्टेशन हो या वो पूना स्टेशन में जो भी आश्रम है मोमेडियन लोगों का भी है, वहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ बच्चों के लिए काम करते हैं. इसमें अगर मेडिकल कुछ इंजुरी रहती है, मेडिकल जो है वो बस बच्चों के लिए ओपन रखा है, वो भी जिनके माँ बाप नहीं है, क्योंकि खाना जो नाम की चीज़ होती है ना, यहाँ पूना मुंबई में कोई भूखा नहीं मरता. खाना तो किसी को भी मिलता है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई नहीं आता इसलिए. और दूसरी चीज है कि डेली जो नीड्स रहती है वो नीड्स के लिए मैंने एनजीओ लॉन्च किया है, और बच्चों के लिए बस, और दूसरा कुछ नहीं. वो चैरिटी कौन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड है. नहीं, प्रोडक्शन क्या उसके बारे में तो कुछ नहीं. जो भी है मेरा स्टूडियो है, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार स्टूडियो पे आप विजिट करो. आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको ओटीटी से लेके अपना थिएटर फिल्म से लेके सारी जो भी चीज़ें लगती है, मैं खुद प्री प्रोडक्शन करती हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ. तो एक कंटेंट से लेके जो फिल्म हम स्टार्ट करते हैं उसे, ऐसे जो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं वो जेड तक कैसी ख़त्म होनी चाहिए, ये सब अच्छे वे पे हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे, क्योंकि 10 अलग अलग लोगों के साथ हम लोग जुड़ नहीं सकते या काम नहीं कर सकते. इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा सारा प्रोडक्शन जो है, मेरी जो टीम है, मेरे पास सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, रूपसी ब्यूटी पार्लर, रूपाली हलकर है उसका नाम है. दूसरी चीज़ है सेलिब्रिटी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, जो अपने कॉस्ट्यूम जो बना रही है वो सुमैया है. ग्रूमिंग और मॉडलिंग का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वो विनू और सुजय नाम के दो लड़के हैं, वो ग्रूमिंग और मॉडलिंग का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा. दूसरी चीज़ है कि मैं खुद
डायरेक्शन है, डायरेक्शन की चीज़ें ऐसी होती है कि अभी आज तक जितने भी मतलब रील वगैरह वो सब अच्छे होते हैं, लेकिन बैक स्टेज पर अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, बैक स्टेज पर जब हम कुछ काम करते हैं मतलब फ्रंट कैमरे से जब भी हम एक्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जब ये एक वक्त पे ऐसा होता है कि एक्टिंग करने के टाइम पे जब कैमरा के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है तब जाके हमें समझ में आता है कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे हमारा फेस पता नहीं चलता। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे बच्चों को लाइव एजुकेशन मतलब कैमरा के ऊपर उनको सिखाऊँ, इसलिए मेरी एकेडमी भी अभी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। मेकअप आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी मेकअप, पर्सनल ग्रूमिंग जो भी है सारा ट्रेनिंग भी हम स्टूडियो में दे देंगे। और इसके अलावा एक है कि चीज़ें इंडस्ट्री में लगती है वो लैंग्वेज रहती है, हिंदी इंग्लिश हो या मराठी हो, और दूसरा एक एडिशनल लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज, जो जर्मन के लिए भी मैंने एक कोच लिया है, ऋतुजा हलकर है उसका नाम है, वो खुद अभी भी उसके जर्मन ऑनलाइन क्लासेस है, इंस्टा पे आप लोग मतलब देख सकते हो जर्मन लैंग्वेज के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस अभी वो तो मतलब बीसीएस कर रही है, तो उसके बाद अगर उसको अभी लॉन्चिंग जो हो रहा है उसमें अभी आपको उसके साथ इंट्रोडक्शन किया जाएगा। वो खुद जर्मन क्लास, एक एडिशनल लैंग्वेज मुझे लोगों को सिखानी थी इसलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज का भी किया है, ऋतुजा हलकर है, वो क्लासेस ऋतुजा हलकर लेंगे। अदर स्टेट से अगर लोग जुड़ना चाहें तो कोई वेबसाइट है कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ, www.alvira.com पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सियागढ़ रोड शिवपुष्प पार्क भारती बाजार के आगे पुणे में। थैंक यू आप लोग आए खाना वाना खा के जाइएगा, थैंक यू सो मच। और जितना बोला है उतना ही प्रिंट करो नहीं कल के प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक भी हुआ। अरे मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एलोवेरा मोशन के साथ वर्क कर रही हूँ, बहुत पहले कर रही थी, अभी न्यू ऑफिस चालू हो गया तो उसकी वजह से अभी हमारा जोरों से काम चालू हो गया, उसके लिए मुझे सब एलोवेरा मोशन को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और जो जो हम ये सब इवेंट वगैरह लेने वाले हैं तो उससे हम सोच रहे हैं कि उनसे सब आर्टिस्ट या जो कंटेस्टेंट भाग लेंगे या सब ये कर रहे जो वर्क कर रहे उनको हम पूरी सच्चाई से और पूरे ढंग से क्लियरली सब वर्क सिखाए और एक अच्छा कंटेस्टेंट बन के भेजे, बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। उसको मेरा नाम ऋतुजा हलकर है, आई एम अ जर्मन टीचर बाय प्रोफेशन एंड ऑल्सो आई एम लर्निंग BBA फ्रॉम BMCC कॉलेज, करंटली आई एम इन सेकेंड ईयर, आई एम टेकिंग जर्मन क्लासेस सिंस 2.5 years नाउ, I've trained a lot of students till now. And talking about this event, so it's my sister's birthday today and also I'm going to walk a ramp which is really interesting and I'm looking forward to it. Thank you. Yes, look here. Look here. Aur kis tarah se judi hui hai production se kya kehna chahenge? Namaskar, my name is Lavanya Pati. Main 21 saal ki hu. और मैं एक मॉडल और एक स्टूडेंट हूँ, मैं पुणे से आई हूँ और आज मैं आई हूँ होस्ट बनके फॉर अलवीरा एंटरटेनमेंट हाउस एंड आई विश अलवीरा अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड द एंटायर टीम एंड द प्रोडक्शन ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज प्रोडक्शन हाउस खड़ा करना एंड इतना मेहनत करके इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में लेकर आना, इट्स नॉट ईजी, आई नो, आई अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क इन द इंडस्ट्री एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट आई एम हियर. And other than that, I would like to wish the entire team all the very best and a very good evening to all of y'all. Thank you. All right. So as I said, मैं 21 साल की हूँ और मैं एक मॉडल हूँ and recently मैंने काफ़ी सारी किताबें जीती हैं internationally and nationally and recently in October 2022 मैंने Miss Queen of the World India second runner-up का किताब जीता है in Mumbai and I will be representing India by the end of this year, hopefully. इंडिया को मैं बाहर देश में रिप्रेजेंट करने वाली हूँ तो मुझे उसके लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए कि मैं इस देश का नाम बहुत ही आगे ले जा सकूँ और अपना झंडा ऊपर ले सकूँ. थैंक यू. नमस्कार, मी अनिकेत घुले, युवा सेना पुणे जिल्हा प्रमुख. खरंतर आज अलवीराचा वाढदिवस आणि त्यानिमित्तानं मी माझ्या वतीनं माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीनं
अल्विराला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं तर आज तिचा 8वं वर्ष आणि मी आज अल्विरा मोशन एंटरटेनमेंट आणि अल्विरा बिगिनिंग ऑफ शायनिंग इंडिया फाउंडेशन याचं देखील या ठिकाणी आज लॉन्चिंग होत असताना खरं तर दीपाली मॅडम कांबळे यांच्या माध्यमातून लॉकडाऊन करोनाच्या काळामध्ये देखील अनेक सोशल किंवा समाजहिताचे उपक्रम किंवा अनेकांना गरजूवंतांना मदत कोविडच्या काळामध्ये त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली। खरं तर दीपाली मॅडमच्या माध्यमातून अनेक वंचित घटकांना त्यांनी खूप मदत केली। कोविडच्या काळात खूप भरीव अशी मदत त्यांच्या माध्यमातून होत असताना आज अल्विराच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या फाउंडेशनचं लॉन्चिंग आज होत आहे। मी माझ्या वतीनं माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीनं टायगर रूप महाराष्ट्र राज्याच्या वतीनं अल्विरा फाउंडेशनला खूप खूप शुभेच्छा देतो। थँक्यू। चलो भाई हो गया ना। I am an NCP politician, General Secretary for Film Literature, Art and Culture, social activist and social media influencer. So I had a small accident today, so that Dipali has really started this beautiful foundation. Dipali ji ne jo itna acha foundation start kiya hai, main unko support karna chahti thi. That's the reason main yahan specially aayi hu, to support her. Women supporting another women, and we should always rise, no matter kya situation aaye zindagi mein, hamesha stand up and rise like a sunshine. And please don't give up, always stay positive, so that she has started such a beautiful foundation with a good cause, and I really wanted to support her. That's the reason I specially came to support her. And best of luck, and we have long ways to go ahead. Let's work together, let's collaborate, and let's make this place a better place to stay together. Thank you.